आप लोगों का मेरे किचन में वेलकम। आज मैं बनाऊंगी राधा बल्लभी। पूरी तो आप लोगों ने बहुत तरीके के खाए होंगे, पर इस तरीका से बनाइए तो और टेस्टी लगेगा। और आप इसे आलू दम के साथ खाइए और अच्छा लगेगा। राधा बल्लभी और आलू दम का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आलू दम का रेसिपी मैंने पहले ही डाल दिया है, आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए राधा बल्लभी बनाना स्टार्ट करते हैं। राधा बल्लभी बनाने के लिए मैंने पहले मैदा ले लिया है, अब हम इसका डो लगाएंगे। इसमें डालेंगे हम नमक और रिफाइंड डाल के हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम इसे पानी से लगा लेंगे मैदा को। मैंने पानी गरम लिया है। सॉफ्ट सा डो तैयार कर ले बना के। डो मेरा बन चुका है, अब हम इसे आधे घंटे के लिए रख लेंगे। अब हम जार में ले लेंगे 3 हरी मिर्च और अदरक। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने उड़द दाल 2-3 घंटा पहले भिगो लिया था। ये मेरा 150 ग्राम उड़द दाल है। अब इसे हम मिक्सर के जार में ग्राइंड कर लेंगे। ये मेरा ग्राइंड हो चुका है। अब हम एक पैन लेंगे। पैन में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, रिफाइंड ऑयल, और 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। मैं दोनों ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो एक ऑयल ही यूज करें इसमें अच्छा सा फ्लेवर आने के लिए। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पिंच हींग, थोड़ा सा सौंफ। इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें पिसी हुई बैटर डाल दूंगी, जो मैंने उड़द दाल पीस लिया था। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए। ये मेरा भून चुका है। अब मैं इसमें सारे मसाला ऐड कर दूंगी। भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे हमें डो बनाने तक बस डो जैसा बन जाए इतना ही भूनना है। देखिए ये मेरा भुना चुका है। अब मैं ऑयल गरम कर लेती हूँ पूरी तलने के लिए। तब तक हम लोई काट लेते हैं। राधा बल्लभी थोड़ा बड़े साइज के होते हैं, तो हमें नींबू के आकार के लोई काट लेने हैं। आप छोटे बड़े कोई भी हिसाब से आप काट लीजिए। अब हम इसे अंगूठे के सहारे से इस तरह से गोल सा ये कर, और इसमें हम स्टफिंग भर लेंगे। थोड़ा थोड़ा स्टफिंग भरे और इस तरह से सारे एंड को मिला के इकट्ठा कर दे और इसे हाथों के सहारे से पेड़ा जैसे बना ले। देखिए इस तरह से पेड़ा जैसे बना ले। इस तरह से मैंने बना लिया है। अब थोड़ा सा हम इस पे ऑयल लगा लेंगे और बेल लेंगे, गोलाकार में बेल लेंगे। हल्के हाथों से बेले, तेल लगाने के बाद ये आराम से बेला जाएगा। ऑयल मेरा हीट हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी पूरी और उलट पलट के हमें इसे पका लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। ये मेरा हो चुका है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे पूरी को हमें तल लेना है। राधा बल्लभ भी मेरा बनके तैयार है। आप लोग भी बनाएं
और कमेंट में हमें बताएं कैसा बना है और हमें नेक्स्ट वीडियो क्या बनाना है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए।